एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का, अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है।